बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि इतना ज़्यादा उन्हें तनाव और चिंता घेर लेती है कि उनकी रातों की नींद ही बिल्कुल उड़ जाती है। और जब भी किसी की रातों की नींद उड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख का आना, संकट का आना, कष्ट का आना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जीवन में अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, उसी प्रकार से बिल्कुल नींद होती है। और अगर आपकी नींद उड़ जाती है या रात को ठीक से नींद नहीं आती है या आप बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते हैं, तो ऐसे में कष्ट जीवन में आना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैन की नींद किस प्रकार आपको लेनी है और किस प्रकार बिल्कुल गहरी नींद में आपको जाकर सोना है, क्योंकि अगर आप गहरी नींद लेंगे उसी से मन तन सभी कुछ रिचार्ज होता है, क्योंकि नींद ही भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है जिससे जब भी कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उसी से ब्रह्मांड कनेक्ट कर जाता है। यानी कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ब्रह्मांड कनेक्ट हो जाता है, जिससे हीलिंग पावर यानी कि रिचार्ज होने की जो शक्ति है वह कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार नींद बहुत ज़्यादा असर डालती है जीवन पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति खाना या पानी छोड़ देता है तो ऐसे में उसका बीमार होना बिल्कुल निश्चित है, दुख का, कष्ट का, संकट का आना उसके जीवन में निश्चित है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे लेकिन नींद बिल्कुल सही से लेता रहे तो वह जीवित रह सकता है। और आपने खुद भी ये चीज़ काफ़ी बार देखी होगी लेकिन नोटिस नहीं की होगी कि जब आप रात में सोते हैं, अगर भूखे सोते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उस समय पेट बिल्कुल भरा हुआ सा महसूस होता है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि सोते समय ब्रह्मांड हर एक व्यक्ति से कनेक्ट कर जाता है और जो भी उसके शरीर में कमजोरी होती है, कमी होती है, उसे ब्रह्मांड अपने आप ही पूरा कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में तनाव हो, चिंता हो, डिप्रेशन उसे घेर ले और वह पूरी तरह से गहरी नींद में सोने लग जाए, कुछ भी ना करे, तब भी ब्रह्मांड उसे रिपेयर कर देता है। यानी कि उसके तनाव को, चिंता को, कष्ट को और हर प्रकार के संकट को खींच लेता है। इसीलिए अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़्यादा जीवन में जरूरी होता है। और अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिल पाती है तो ऐसे में आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और अच्छी नींद किस प्रकार आए इस पर कार्य शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अच्छी नींद ले सकते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि शरीर एक प्रकार का यंत्र होता है, यानी कि इसमें जो भी आदत डाल दी जाती है वही शरीर करता रहता है। जैसे कि अगर आपके शरीर को आदत है कि सुबह उठकर आप जमीन को छूते हैं तो एक हफ्ते आप शुरुआत में इस आदत को अपने शरीर को डालेंगे, बाद में शरीर अपने आप ही खुद ही इस आदत को करने लग जाएगा। यानी कि फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप सोकर उठेंगे तुरंत ही आपका शरीर जमीन को छू लेता है। इसी प्रकार जैसे अगर आप मंत्र साधना करते हैं तो शुरुआत में मंत्र को जपने में परेशानी होती है क्योंकि उस समय शरीर को आदत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शरीर को आदत पड़ जाती है तो शरीर मन अपने आप ही उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाता है। यानी कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शरीर एक बार आदत को पकड़ लेता है तो उसी आदत में ढल जाता है और फिर इसी आदत को बदलने के लिए दोबारा से प्रयास करना पड़ता है। और बस बहुत सारे लोग इसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जब भी वो सोते हैं तो सोने से पहले मोबाइल चेक करना, नेगेटिव चीज को पढ़ना, चिंता या कष्ट या परेशानी के बारे में सोचना, जैसे कि अगर किसी के जीवन में कष्ट, चिंता, परेशानी होती है तो वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं और ऐसा करने से उनके शरीर को आदत सी पड़ जाती है कि रात को जब भी वो सोते हैं तो ऑटोमेटिक ही उनका जो दिमाग होता है वो अपने आप ही चिंता को सोचने लग जाता है, दुख को सोचने लग जाता है, जिसके कारण बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत में आपको अपने शरीर को अच्छी नींद की आदत डालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है और एक बार अगर आपको अच्छी नींद की आदत लग गई तो फिर शरीर अपने आप ही अच्छी नींद में ऑटोमेटिक ही पहुंचने लगेगा। जिस प्रकार आपने जाने अनजाने में शरीर को ना सोने की आदत डाली है, चिंता करने की, दुख
करने की, सोचने की आदत डाली है, उसी प्रकार आपको अच्छी नींद के लिए शरीर को तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी आपको मोबाइल में या किसी से भी बातें करने में समय को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही कोई मूवी देखनी है, क्योंकि खाने के बाद आपको थोड़ा सा टहल कर बिल्कुल सोने जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपसे जुड़ा रहे और आपके जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, चिंता हैं, टेंशन हैं, उन सब को ब्रह्मांड अपने आप रिपेयर करता रहे, तो अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपको इस पर निश्चित ही ध्यान भी देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जब भी आप खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा टहल कर आपको बिल्कुल सोने की ही तैयारी करनी है, मोबाइल को बिल्कुल दूर रख देना है, किसी से किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी है। शुरुआत में एक हफ्ते तक आपको इस रूटीन को फॉलो करना है और जब आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी अच्छी नींद लेने की, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आप अच्छी नींद में पहुंचने लग जाएंगे, जिससे आपको गहरी नींद आएगी और सभी चिंता, कष्ट, दुख, ब्रह्मांड अपने अंदर सोखने लग जाएगा। तो जब भी आप खाना खा लेते हैं तो सोने की तैयारी उसके बाद आपको करनी है। आपको इतना करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर अपने पैरों को उसमें 15 मिनट डालकर रखना है और अपने भगवान का ध्यान करना है और बिल्कुल गहरी गहरी सांसें लेनी है। चाहे आपके जीवन में कितना भी कष्ट ही क्यों ना हो, कितने भी आप परेशानी क्यों ना हो, लेकिन रात की नींद को आपको बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है। उस समय में आपको सभी चीज़ों को भूल जाना है और ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं केवल उसी को करना है। 3-4 दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड ही आपके सभी कष्टों को सोख लेगा और फिर जीवन में बदलाव होना बिल्कुल ही निश्चित है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल गहरी नींद लेता है, अच्छे से सोता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसे रिचार्ज करता रहता है। कष्ट हमेशा तभी आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में अच्छी नींद उसे नहीं मिल पाती है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़ी ही ज़्यादा खास बातें हैं जो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ध्यान ही नहीं देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है। तो आपको गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर अपने पैरों को उसमें डालकर बैठ जाना है और भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए बिल्कुल गहरी सांसें आपको लेनी हैं और इस प्रकार सांसों को लेना है कि बिल्कुल गहराई तक, पेट तक आपको सांस लेनी है, यानी कि पेट से सांस लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट पतला होना चाहिए। बस 21 सांसें आपको इस प्रकार से लेनी है। जब आप सांसें लेंगे तो बिल्कुल गहराई में पेट को फुला लेना है और बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करते हुए उन सांसों को छोड़ना है। और जब तक इस प्रयोग को करते रहना है, जब तक आपकी सांसें बिल्कुल गहरी और धीरे नहीं हो जाती है, यानी कि अपनी सांसों को बिल्कुल धीरे धीरे करने का प्रयास करना है। बिल्कुल गहराई में सांस लेकर बिल्कुल तेजी से बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल रुक रुक कर आपको अपनी सांसों को छोड़ना है। ऐसा करने से सांस लंबी और गहरी हो जाती है और जैसे ही आपकी सांसें लंबी और गहरी हो जाएंगी, तुरंत ही आप आराम के स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिससे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाए, यानी कि जब आपकी सांसें बिल्कुल गहरी और धीरे हो जाएं, तब आप अपने पैरों को पानी से निकाल कर उस पानी को कहीं भी फेंक सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उस पानी में जाती रहेंगी, यानी कि आपकी ऊर्जाएं बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी और जो ये सांस का प्रयोग आप करेंगे, इससे आपके अंदर आराम की और ध्यान की स्थिति बढ़ने लग जाएगी। बस इसी प्रकार आपको करना है। उसके बाद आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, किसी से भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी मोबाइल में कुछ चीज चेक नहीं करनी है। बस फिर आपको सोते हुए फिर से अपनी सांसों को बिल्कुल धीरे धीरे करने का प्रयास करना है। ऐसा जैसे ही आप करेंगे तो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही आपको इतनी गहरी नींद आ जाएगी। तो आज से ही आप इस प्रयोग को करके देखें और अगर आपको आज ठीक से नींद नहीं आ पाती है तो लगातार इस प्रयोग को 4-5 दिन करते रहें, क्योंकि आपके शरीर को जो आदत पड़ी होती है उसे बदलने में, चेंज करने में समय लगता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने सोने का समय एक निर्धारित कर लें, यानी कि 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जो भी समय आपके लिए उत्तम हो, क्योंकि शरीर को उस समय की आदत डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर आदतों पर कार्य करता है। जो लोग जीवन में कष्ट, चिंता में रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके शरीर को आदत पड़ चुकी होती है कष्ट को, दुख को अट्रैक्ट करने की, इसीलिए उनके जीवन में हमेशा ही कष्ट और दुख आता रहता है। तो उसे किस प्रकार बदलना है वो भी हम आने वाले वीडियोज में जरूर ही बताएंगे, लेकिन अच्छी नींद प्राप्ति के लिए आप इस प्रयोग को आज से ही शुरू कर दें,
क्योंकि जो कोई भी इस प्रयोग को करता है उसे बिल्कुल गहरी नींद आती है, और जब गहरी नींद आती है तो ब्रह्मांड कनेक्ट करता है, और जो भी इस व्यक्ति के जीवन में कष्ट दुख बीमारी चल रही होती है उन्हें ब्रह्मांड बिल्कुल अपने अंदर सोख लेता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सोते समय अपनी सांसों को आपको बिल्कुल गहरा और धीरे करते जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गहरी नींद में तुरंत ही पहुंच जाएंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अच्छी नींद प्राप्त कर सकें, जिससे सभी दुख सभी कष्ट सभी चिंताएं ब्रह्मांड उनकी सोख सके और उनके जीवन में सौभाग्य सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।